सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ममाज बॉय किचन को और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। वेलकम टू ममाज बॉय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं दूध पुली। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दूध पुली बनाने के लिए हमें चाहिए नारियल का कूरा 1 कप, गुड़ 1 कप, 3 इलायची, नमक, चावल का आटा 2.5 कप, दूध 1 लीटर, 2 तेज पत्ता, चीनी 1 कप। सबसे पहले हम 1 कप नारियल का कूरा लेंगे, उसमें 1 कप गुड़ मिलाएंगे और उसमें 1 इलायची को हाथों से तोड़ कर डालेंगे और फिर इन सभी को अच्छी तरह मिला देंगे। मिला लेने के बाद यह कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें अब हम 1 कप पानी डालेंगे और अब ढककर इसे तेज आंच पर गैस पे उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब यह उबल जाए आंच कम कर ले और इसे लगातार मिलाते रहे। जब तक कि यह पूरा नजदीक नहीं आ जाता हमें यह दोहराते रहना होगा। अब देखिए इसका पानी पूरी तरह सूख गया है। अब गैस बंद कर ले और इसे एक प्लेट में निकाल ले और ठंडे होने के लिए छोड़ दे। अब हम कढ़ाई में 3 कप पानी लेंगे और फिर उसमें चुटकी भर नमक डालेंगे। जब इसका उबलना शुरू हो जाए तो इसमें चावल का आटा डालेंगे। इसे बस इस तरह ऊपर से डालकर ढककर छोड़ देना है। आंच को मीडियम रखें और इसे उबलने के लिए छोड़ दें। जैसे ही आपको इस पे बुलबुले दिखने लगे तो ढक्कन हटाएं और आंच को कम कर ले और चम्मच से इसे इस तरह मिलाते रहें। पानी सुखाने के लिए अब आंच को तेज करें और लगातार मिलाते रहें। अब देखिए यह पूरी तरह तैयार है। आंच बंद कर ले, प्लेट पे निकाल ले और हाथों से इसे गर्म रहते हुए ही सान ले। ध्यान रखिए कहीं कोई लम्स ना रहे, अच्छी तरह सान ले। अब यह एक सॉफ्ट डो की तरह हो गया है। इसमें से हम एक छोटा सा पोर्शन निकालेंगे और उसका एक बॉल बनाएंगे। इसी तरह हम पूरे डो का छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे। अब इन बॉल्स को इस तरह फ्लैट करना है। आप चाहे तो बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कहीं इसमें क्रैक ना आए और इसके किनारे ना फटे। अब हम इसमें फिलिंग रखेंगे और इसके कोनों को जोड़ देंगे। ध्यान रखिए कहीं गैप्स ना रह जाए जहां से कि फिलिंग बाहर आ जाए। इसे इस तरह पूरा टाइटली पैक कर देना है। अब इसके किनारों को इस तरह फोल्ड कर देना है ताकि ये पूरी तरह बंद हो जाए। ऐसा ही हम सभी के साथ करेंगे। एक और बनाते हुए आप देखिए। अब हम गैस में 1 लीटर दूध लेंगे, उसे अच्छी तरह उबाल लेंगे। उसमें 2 तेज पत्ता और 2 इलायची डालेंगे और 1 कप चीनी डालेंगे और इसके उबलते ही हम इसमें पीठे डाल देंगे। इसे एक एक करके धीरे से छोड़िए ताकि ये टूटे नहीं। अब आंच तेज करके इसे उबलने के लिए छोड़ दें। देखिए यह अच्छी तरह उबल गया है, दूध काफी नजदीक आ गया है। इसका मतलब हमारा डिश तैयार है। गैस बंद कर ले और इसे सर्व कर ले।
अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता रहे।